जिमें कि आप 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 ठीक है सर्कल कर रहे हैं। अज आप एक्सरसाइज 10.2 करा लास्ट लैक्चर जो थ्योरम सी ठीक है वो डिस्कस कर नंबर ऑफ टेंजेंट बारे डिस्कस कर अज आप उस बेस से उसके एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जिम्मे कि एक्सरसाइज 10.2 का फस्ट सम है फस्ट सम की कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यों कोई पॉइंट आ क्यों ठीक है द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल मतलब की है कोई एक सर्कल ठीक है सर्कल है तो कोई पॉइंट आ क्यों ओके क्यों पॉइंट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ठीक है ये सर्कल के उपर जो आप टेंजेंट रख लीए लेंथ ऑफ टेंजेंट इन्हें कि अपने को 24 सेंटीमीटर है ठीक है लेंथ ऑफ टेंजेंट कि 24 सेंटीमीटर है। उस तो बाद एट दी डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ठीक है तो फिर सेंटर जो सेंटर तक डिस्टेंस है वो कि 25 सेंटीमीटर है फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल दसना है इन आप पी लें ठीक है आप पता 90 डिग्री हूँ फिर बड़े से भी टेंजेंट के रेडियस का जो एंगल कि 90 हूँ ठीक है 90 फिर आप हम अपने पी बना ठीक है पी क्यों बनाया पी क्यों पी क्यों कि अपने को 24 सेंटीमीटर ठीक है ना ओ क्यों कि 25 सेंटीमीटर ओ भी 5 डॉट कर ठीक है ओ के अपन क्या है 5 डॉट करनी है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम गोरस थ्योरम ठीक है पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की कहती है ओ क्या उसके इज इक्वल टू पी क्या उसके प्लस पी ओ पी स्क् ठीक है ओ क्या उसकी वैल्यू कि अपने को 25 स्क्वायर ठीक है पी क्या उसकी वैल्यू कि 24 स्क्वायर ओ मेरी वैल्यू कि आप फाइंड आउट कर लेंगे आगे ना 625 आ गया आगे ना 576 आ गया ओ पी स्क्वायर ठीक है 725 माइनस 576 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एना दोनों माइनस कर दें कि रह गया अपने को 59 ठीक है ना 49 ओ पी की वैल्यू कि आई अपने को 49 कि हूँ अपने को ओ पी कि आ गया 40 अंडर रूट 49 है ना यह स्क्वायर रूट कि अंडर रूट 49 का ओ पी कि अपने को 7 सेंटीमीटर ठीक है ये सारे को आंसर है। हूँ आप नैक्सट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सैकंड की दिता होगा इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू आर सर्कल विद सेंटर जे टी क्यू एंड टी पी दो टेंजेंट हो सेंटर हो दे सो दैट पी ओ क्यू कि 110 है दैन पी टी क्यू पी टी क्यू जरा आप फाइंड आउट करना है ठीक है ना। एक हूँ अपने को थ्योरम भी है ठीक है ना एक एक्सरसाइज के जो आप सम के प्रूव भी करा भी जे ऑपोजिट एंगल ने हम क्वाड्रेटर बन गया ठीक है ना जिड़िया टेंजेंट सेंटर के नाम जो एंगल आ एंगल बन रहे हैं एक आ एंगल इन्होंने दोनों का सम कितना होगा 180 होता है ठीक है ना। तो जे इदा करना इदा कर सकते हो नहीं फिर क्वाड्रेटर हाथ से लाने तो क्वाड्रेटर कर सकते आ दो आ 180 रह जाएगा या दोनों सम के ना 180 रह जाएगा है ना यानी कि पी टी क्यू प्लस पी ओ क्यू कि 180 है ठीक है पी टी क्यू एंड पी ओ क्यू दोनों का सम कि रह गया 180 है पी टी क्यू आप फाइंड आउट करना है पी ओ क्यू 110 है 180 है पी टी क्यू कि है 180 माइनस 110 कि रह गया 70 है यही साढ़े को आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
जिन हम आप क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड किया इफ ए एंड बी एंड बी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू आ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, कोई पॉइंट पी आ वो तो पी ए ते पी बी दो टेंजेंट ड्रा करिया सेंटर ओ ते, इनक्लाइन टू ईच अदर, ठीक है, इनक्लाइन करे गए हैं एट एंगल इज 80, देन पी ओ फाइंड कर दिया, पीओए फाइंड आउट करनी है, एंगल ए जिहड़ा अपने को ए 50 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, सी अपने को 70 है, डी अपने को 80 है। हम देखो अपने को एक सर्कल आ, ठीक है, हम ये सर्कल है तो हम, ठीक है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है ए दे टेंजेंट आप जगह आपने को पी ए, ठीक है, हूँ आपने को भी होगी पी बी ओ, ठीक है, सेंटर यहाँ ओ हो गया, ठीक है, हूँ जिहड़ा आ एंगल आ जिहड़ा कह रहे हैं 80 डिग्री है तो आप फाइंड आउट करना पी पी ओ ए अपाइन करना, ठीक है, दोनों के ये एक लाइन है 80 डिग्री पे आप अपनी एंगल आप एंगल आप एंगल करना, शो कर रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। हम देखो आप करना की है आप किससे से हमने आ एंगल ले आ सारा एंगल ये सारा एंगल ले आए ना ये ना हाफ टू सेंटर को ना हो, ठीक है, एंगल पी एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बाजू पी, ठीक है, और उसके बाद एंगल ए पी बी कितना है 80 डिग्री है, एंगल ए ओ बी कितना है 180 है, एंगल ए ओ बी कितना है 180 180 कितना रह गया 100, ठीक है, आ एंगल अपने को कितना रह गया है, आ एंगल अपने को 100 रह गया, ठीक है ना, उस तो बाद थोड़ा आप तो रह गया ना पी ओ ए रह गया ना ना हम आप तो सब करना का भी आ दोनों एंगल इक्वल तो हम आप दोनों ट्राइंगल की कर दिए कंगोलेंस ग्रुप कर दिए ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी है ना, करेक्ट, तो हम जिहड़ा का पी ए पी बी दोनों इक्वल है लेंथ होते हैं, ठीक है, उस तो बाद ओ ए ओ बी रेडियस है, ठीक है, दो चीजें हो गई, ओ बी कौन, ठीक है, तो हम ट्रायंगल ए ओ पी इतने अपने को कि कंकुरेंसी होगी सारिया साइड इक्वल ने साइड 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 कंकुरेंसी साइड 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 कंकुरेंसी, ठीक है, तो हम ट्रायंगल ए ओ पी कंकुरेंट में ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक है, तो हम कंकुरेंट हो गया तो हम आप कह सकते हैं एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी दे बाय सी बी सी डी, ठीक है, तो हम देखो पी ओ ए है ना आप कैलकुलेट करें ए ओ बी है ना ए ओ बी कितना का अपने कैलकुलेट करें 100 है ना, एंगल पी ओ ए ए ओ बी बन रहा है पी ओ ए प्लस पी ओ बी 100 डिग्री,
हूँ POA प्लस एंगल POA 100 ठीक है, दोनों क्या गया अपने को 2POA कितना आ गया अपने को 100 डिग्री, POA 100 बाय 2 कितना आ गया, POA की वैल्यू मिल गई अपने को 58, यही सारे को आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सादा आंसर है ठीक है। इस क्वेश्चन अपने को एक्सरसाइज 10.2 दे फर्स्ट 3 सम ठीक है, तो नेक्स्ट जेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के करेंगे, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा, थैंक यू।